अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड बिलेटेड ईद मुबारक फ्रॉम मी। तो एडिट की हुई वीडियो ही डिलीट हो गई, सो दैट्स द रीज़न फॉर अपलोडिंग लेट वीडियो। सोचा तो यही था कि ईद एस्थेटिक सा व्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसी कोई एस्थेटिक ईद की जरिए ना मेरी। बट एनी वेज, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। यहाँ पर कस्टर्ड बनाने की तैयारी हो रही है सुबह के डिज़र्ट के लिए। ऑलमोस्ट चांद रात के 12:30 का टाइम था और दूध को बॉयल आने के बाद इसके अंदर शुगर और इलायची डाल के इसको बॉयल कर लिया। इसके बाद इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालकर कस्टर्ड रेडी कर लिया था और सुबह डिज़र्ट बनाना था, बट वो वीडियो भी डल होगी। सो यहाँ पर मामा को मेहंदी लगाने लगी थी। मानो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड थी तो मामा को छोड़कर पहले मुझे इसके हैंड पे लगानी पड़ी। इसकी फरमाइश के अकॉर्डिंग उसने कहा था चांद और तारा बना दो, तो भाई चांद और तारा बनने लगा है। पर इसकी फरमाइश हो रही थी कि भाई ईद मुबारक लिख दिया जाए, तो ईद मुबारक लिखेंगे यहाँ पे एंड मेहंदी। किसी मानूर की तरफ से बाय बाय एंड मूवी ऑन द नेक्स्ट डे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे सोने के बाद इसको रिमूव करने के लिए आई वेंट टू द किचन एंड डिसाइडेड टू मेक ईद डिशेज बाय माई सेल्फ। सो यहाँ पर एक पैन में ऑयल लेके मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करने लगी हूँ और इसे कवर कर दूँगी ताकि जल्दी से ये कुक हो जाए। देन इसको शेड करेंगे। चिकन को शेड करने के बाद सेपरेट कर देंगे और यहाँ पर सैंडविच ब्रेड लिया है, इसको सर्कुलर फॉर्म में कट कर लेंगे। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में डालकर दूसरे बाउल में दो एग को बीट करेंगे। इसको पहले अंडे एंड देन ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। सभी ब्रेड्स को इसी तरह रेडी कर लेंगे एंड देन इट्स टाइम टू फ्राई। अब इनको एक पैन में डीप शैलो फ्राई करेंगे और अंदर गोल्डन अच्छा सा ब्राउन कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। देन एक पैन में अनियन लें, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लें। इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर उसे थोड़ा सा फ्राई करें। देन इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर दें। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करें ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स एंड देन इसके अंदर डेरी क्रीम 1 स्पून एंड थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें एंड देन जो चिकन हमने श्रेड किया था फ्राइड चिकन को ऐड करके इसको देन इसमें चिली सॉस एंड सोया सॉस ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 स्पून एंड यहाँ पर ब्रेड फ्राइड स्लाइसिस को हाफ कट करके सीजर से इसको हम सेंटर से ओपन करेंगे एंड एक एक लेटस पीस रखेंगे इसके अंदर। लेटस पीस रखने के बाद इसके अंदर चिकन वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और ब्रेड पैटीज रेडी कर लेंगे। ब्रेड पैटीज आर रेडी। सो यहाँ पर हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी, जहाँ पर हम बनाने लगे हैं वाइट कोरमा। ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन होगा, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने, जीरा एंड कोरिएंडर पाउडर, साल्ट, वाइट पेपर,
यहाँ पर सेसमी सीड जिनको तिल कहते हैं, ब्लैक पेपर, कोकोनट पाउडर, इन सब को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर वो फ्राई किया हुआ चिकन हमने निकाल लिया है, उसी ऑयल में थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालने देंगे और उसमें हम ये अनियन डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो देन इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद भी जो फ्राइड चिकन था वो ऐड कर देंगे। देन वो स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे कवर होने देंगे, थोड़ी सी हीट मिलने के बाद आफ्टर एटलीस्ट 4-5 मिनट्स हम इसके अंदर डेरी क्रीम एक फुल पैक जो है इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। बट मेक श्योर आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, हम लो फ्लेम पर क्रीम को कुक करेंगे। देन इसके अंदर ग्रीन चिलीज डालकर इसको कवर कर देंगे एंड वाइट कोरमा इज डन। तो यहाँ पर आई वाज सो टायर्ड, सो मम्मा को कहा कि भाई मेरी तो बस हो गई है, आप फिश फ्राई कर दें। देन तो यहाँ पर मम्मा फिश फ्राई कर रही हैं। इट्स डन। एंड उसके बाद मैंने डिज़र्ट रेडी किया था जिसकी वीडियो बहुत ही अच्छी बनी थी बट वो डिलीट हो गई है। सो हम नेक्स्ट किसी टाइम पर इसको बनाना सीखेंगे, बट बहुत ही यम्मी था ये। एंड हियर इज द फुल ईद मेन्यू। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।